वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. आई वेलकम यू ऑल अगेन इन अवर नेक्स्ट क्लास. स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर रीडिंग अवर चैप्टर नंबर 13 एंड द नेम ऑफ अवर चैप्टर नंबर 13 इज द नेचुरल डिजास्टर. नेचुरल डिजास्टर का मतलब बेटा क्या होता है? प्राकृतिक आपदाएं. ठीक है बेटा, ये जो डिजास्टर्स हैं ये पहले से प्लान्ड नहीं होते, ये अनसर्टेन होते हैं, अनिश्चित घटनाएं होती हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर नाउ लेट्स डू अ क्विक रिकैप ऑफ अवर प्रीवियस वीडियो. Students, in our previous video, we have seen that the destructive power of nature is known as natural disaster. Nature की जो विनाशकारी शक्ति होती है उसे ही हम natural disaster या प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं. विनाशकारी शक्ति का मतलब ये है बेटा कि nature की इस power से बहुत ज्यादा बेटा ये जो natural disasters होते हैं ये आउट ऑफ ह्यूमंस कंट्रोल होते हैं, मतलब कि मानव जाति के नियंत्रण से बाहर की चीजें होती है ये. ठीक है, ये जितने भी एक्शंस होते हैं इस पे ह्यूमंस कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. इसके साथ ही साथ हमने पढ़ा था द वर्ल्ड नेचर इंक्लूड्स टू थिंग. द फर्स्ट वन इज इट इंक्लूड ऑल लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर नॉट ह्यूमन मेड. बेटा नेचर शब्द का दो अर्थ लिया गया था, इसमें सारी लिविंग्स तथा ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स को इंक्लूड किया गया है जो ह्यूमन मेड नहीं है. अब ऐसी कौन कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स है बेटा? सन, मून, स्टार्स, माउंटेन, ये सारी चीजें क्या है? नॉन लिविंग है, बट ये क्या है? ह्यूमन मेड नहीं है. ठीक है, तो इन्हें भी नेचर में इंक्लूड किया गया था. बेटा इसका दूसरा अर्थ लिया गया था द थिंग्स बियॉन्ड अवर कंट्रोल. ऐसी कोई भी चीज जो हमारे कंट्रोल के बाहर है दैट इज डन बाय नेचर, या उसे भी हम नेचर वर्ल्ड में ही इंक्लूड करते हैं. जैसे द राइजिंग ऑफ सन, सूरज का निकलना, हवा का चलना, पानी का बहना, ये सारी चीजें क्या है बेटा? नेचर में ही इंक्लूड है. बेटा इसके अलावा हमने जाना था कि ये जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं ये ह्यूमंस के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं. इट कॉज पेन एंड सफरिंग टू ह्यूमैनिटी. ये मानव जाति को बहुत ही ज्यादा पेन तथा सफर, सफर का मतलब होता है बेटा दुख देना. ठीक है, बहुत ही ज्यादा दर्द तथा दुख देती हैं. नाउ लेट्स नो कि इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से नेचुरल डिजास्टर्स में के बारे में पढ़ेंगे. तो बेटा हमारा पहला टॉपिक होगा फ्लड. फ्लड को हिंदी में बोलते हैं बाढ़. दूसरा होगा अर्थक्विक. अर्थक्विक को हिंदी में बोलते हैं भूकंप. तीसरा टॉपिक होगा हमारा ड्रॉट. ड्रॉट को कहते हैं बेटा हिंदी में सूखा पड़ना. तथा हमारा लास्ट टॉपिक होगा वॉल्केनिक इरप्शन. वॉल्केनिक इरप्शन को हिंदी में बोलते हैं बेटा ज्वालामुखी विस्फोट होना. ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद फ्लड. बेटा टेक योर बुक एंड ओपन योर चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर 78. ओके, अपनी बुक लीजिए, अपना चैप्टर नंबर 13 ओपन करिए. ठीक है, वो आपके पेज नंबर 78 पर है. फ्लड, फ्लड को हिंदी में बेटा बोलते हैं बाढ़. फ्लड आर यूजुअली कॉज्ड बाय हैवी रेनफॉल. बेटा ये जो बाढ़ होती है ये जब बहुत ही भारी मात्रा में बारिश होती है तो उसके कारण आती है. That causes a river to overflow its bank and water spread to the surrounding areas. फ्लड में होता क्या है बेटा, जब बहुत ही ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है तो नदियों का पानी होता है वो ओवरफ्लो हो जाता है. ओवरफ्लो होने का मतलब अपने जो सामान्य स्थिति है उससे ऊपर उठ जाता है. ठीक है, बहुत ही ज्यादा ऊपर उठ के बहने लगता है और इसका रिजल्ट क्या होता है बेटा, ये जो पानी होता है वो किनारों पर आ जाता है और किनारों से फैलता हुआ अपने आसपास के क्षेत्रों को कवर कर लेता है. ठीक है, मतलब कि उसके आसपास जो भी एरियाज होते हैं वहां पर पानी फैल जाता है. इसी को हम क्या कहते हैं, इसी कंडीशन को हम बाढ़ बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आप सभी ने बाढ़ कभी ना कभी देखी होगी बेटा, आप सुनते भी होंगे कि बाढ़ आई है. बाढ़ में एग्जैक्टली होता क्या है, नदियों का पानी ही ओवरफ्लो होकर अपने आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है. ठीक है, नाउ लेट्स नो अबाउट द कॉजेज ऑफ फ्लड. आइए अब जानते हैं कि बाढ़ आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं. फ्लड्स आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. फ्लड आने के या बाढ़ आने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं. रीजन का मतलब होता है बेटा कारण. पहला, लैक ऑफ वेजिटेशन एंड डिफॉरेस्टेशन. लैक का मतलब कमी, वेजिटेशन का मतलब होता है ट्रीज, प्लांट्स. ओके, तो पेड़ पौधों की कमी के कारण या डिफॉरेस्टेशन के कारण फ्लड आता है. बेटा डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज कट डाउन. जब बहुत भारी मात्रा में पेड़ों को काट दिया जाता है, एक साथ काटा जाता है, तो इस क्रिया को हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं.
ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन होना या वनस्पति या पेड़ पौधों का कम होना बाढ़ आने का एक सबसे बड़ा कारण है। नाउ लेट्स नो अबाउट सेकंड रीजन। व्हेन एरियाज गेटिंग अ लॉट रेनफॉल डू नॉट हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। बेटा जब किसी भी क्षेत्र में बहुत भारी मात्रा में बारिश होती है और वहां पर जल निकलने का या पानी निकलने का कोई प्रॉपर साधन नहीं होता है तो बेटा रिजल्ट क्या होता है, पानी उसी एरिया में जमा होने लगता है। ज्यादा बारिश होती है, धीरे धीरे पानी और ज्यादा जमा होने लगता है और ये स्थिति बाढ़ का रूप ले लेती है। ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट द नेक्स्ट रीजन। सडन हैवी एंड कंटिन्यूअस रेनफॉल। बेटा जब अचानक से भारी और लगातार बारिश होती रहती है तो ये बाढ़ आने का एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। इसके अलावा दे ऑल्सो ऑकर व्हेन अ डैम होल्डिंग वाटर ब्रेक्स एक्सीडेंटली। ये तब भी आ जाती है बेटा जब नदियों के पानी को रोकने के लिए बांध बनाए जाते हैं और ये बांध दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या ये बांध अचानक से टूट जाते हैं तो इससे भी क्या होता है बेटा, बाढ़ आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट रीजन इज फ्लड ऑल्सो ऑकर व्हेन अ कोस्ट लाइन एरिया इज हिट बाय अ ह्यूरिकेन। बेटा जब कोस्ट लाइन का मतलब होता है समुद्र तट का किनारा, जब समुद्र तट के किनारों पर तूफान आता है तब भी जो समुद्र का पानी होता है वो बाहर आ जाता है और ये भी बाढ़ का एक कारण बनता है। ठीक है, नाउ लेट्स नो अबाउट द नेक्स्ट रीजन। सडन मेल्टिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो ऑन माउंटेन्स ड्यूरिंग समर सीजन। समर सीजन के समय में बेटा माउंटेन्स पर जो स्नो होती है जब वो पिघलने लगती है तो ये भी बाढ़ आने का एक कारण बन जाती है। ठीक है, नाउ लेट्स नो द नेक्स्ट रीजन। When earthquake and volcanic eruption cause huge ocean waves called tsunami in coastal areas. बेटा जब समुद्र के अंदर अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप आना, वॉल्केनिक इरप्शन का मतलब होता है बेटा ज्वालामुखी विस्फोट होना। जब समुद्र के अंदर अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो बेटा जो समुद्र की लहरें हैं वो बहुत ही ऊपर ऊपर उठने लगती हैं और ये भी आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आने का एक कारण बनती है। ओके बेटा, तो ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से फ्लड आते हैं। नाउ लेट्स नो हाउ टू प्रिपेयर अवर सेल्फ फॉर फ्लड्स। आइए जानते हैं अब बाढ़ की स्थिति में या बाढ़ की दशा में या बाढ़ के लिए हम अपने आप को कैसे तैयार रख सकते हैं। ओके, वी कैन प्रिपेयर अवर सेल्फ फॉर फ्लड्स इन द फॉलोइंग वेज। हम निम्नलिखित दिए हुए तरीकों को यूज करके अपने आप को बाढ़ के लिए तैयार कर सकते हैं। इसमें से पहला है लीव द एरिया एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको पता चल जाता है बेटा कि भारी बारिश हो रही है और आप नदी या समुद्र तट के किनारे रह रहे हैं उस एरिया को क्या कर दें, छोड़ दें। ठीक है, लिसन टू द रेडियो और वॉच टेलीविजन फॉर वार्निंग। लगातार रेडियो तथा टेलीविजन देखते रहें जिसमें आपको लगातार चेतावनी मिलती रहती है कि बाढ़ आ सकती है या नहीं आ सकती है। इसके अलावा कीप फर्स्ट एड किट, टॉर्च, मैचेस, मैच स्टिक एंड स्टॉक ऑफ फूड एंड फ्रेश वाटर रेडी। अपने साथ हमेशा फर्स्ट एड किट, टॉर्च, माचिस तथा खाने की चीजें और फ्रेश वाटर हमेशा तैयार रखें क्योंकि हो सकता है कभी भी आपको आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया को छोड़ना पड़े। ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स। इलेक्ट्रिक पोल्स बिजली के खंभों से दूर रहें एंड केबल्स बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रक्शन। बेटा बिजली के खंभों तथा बिजली के तारों से दूर रहे ये इलेक्ट्रक्शन का कारण बन सकती है। इलेक्ट्रक्शन होता है बेटा इट इज अ डेथ ऑफ सर्व इंजरी बाय इलेक्ट्रिक शॉक। जब बेटा किसी व्यक्ति की इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से कोई इंजरी हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन को हम इलेक्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज हम क्या कर सकते हैं, स्विच ऑफ एंड अनप्लग ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। जितनी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं उन्हें हम क्या कर दे, स्विच ऑफ कर दे या उनके प्लग को बाहर निकाल दे। इफ द फ्लड वाटर इंटर्स अवर होम, अगर बाढ़ का पानी हमारे घर के अंदर घुस गया है बेटा तो तुरंत ही हमें जितनी भी इलेक्ट्रिक चीजें हैं या जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, उनकी स्विच को ऑफ कर देना चाहिए और सारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज को अनप्लग या उनके प्लग बाहर निकाल देने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज अवॉइड ड्राइविंग थ्रू फ्लडेड एरियाज एज वी माइट गेट स्टक इन वाटर। बेटा जब अगर बाढ़ आई है तो हमें बेटा ऐसे एरियाज में ड्राइविंग अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि हो सकता है हम बाढ़ के पानी में फंस जाएं। वाइल्ड ड्राइविंग करते समय हम बाढ़ के पानी में फंस सकते हैं। ठीक है, तो जब बाढ़ आए बेटा तो ड्राइविंग को अवॉइड करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज अवॉइड स्विमिंग इन और ड्रिंकिंग फ्लड वाटर। बेटा बाढ़ के पानी में स्विमिंग या बाढ़ के पानी को पीना अवॉइड करना चाहिए।
इट मे बी कंटेन सीवेज और अदर पोल्यूटेंट्स। बेटा ये पानी बहुत ही गंदा होता है, इसमें गंदगी हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स के प्रदूषक या पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं जो हमें डिफरेंट टाइप्स की बीमारी दे सकते हैं, ठीक है। सो बाढ़ के पानी में स्विमिंग और उसको पीना अवॉइड करना चाहिए, ओके। इन इंडिया फ्लड्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग मॉनसून। मॉनसून के समय में बेटा भारत में बाढ़ आना बहुत ही सामान्य सी बात है। दे मोस्टली ऑकर इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में अक्सर मॉनसून के समय में बाढ़ आती रहती है। दे कॉज ग्रेट डैमेज ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स। बेटा बाढ़ की वजह से लाइफ को, प्रॉपर्टी को तथा फसलों को बहुत ही भारी मात्रा में नुकसान पहुंचता है। डिजीजेस सच एज कॉलरा, मलेरिया एंड डेंगू स्प्रेड इन एरियाज हिट बाय फ्लड। जिस एरिया में बाढ़ आई रहती है बेटा वहां कई सारी बीमारियां भी फैलती है, जिसमें से मुख्य है कॉलरा, मलेरिया एंड डेंगू। However, we can control floods by planting more and more trees. बेटा हम अगर बाढ़ को रोकना चाहते हैं तो उसका एक सबसे सरल और मात्र उपाय है, हमें जितना ज्यादा हो सके पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? Just because the roots of trees absorb the water and prevent flood water from spreading fast. पेड़ की जो जड़ें होती हैं बेटा वो पानी को बहुत ही ज्यादा मात्रा में सोख कर रखती हैं, जिससे पानी तेजी से फैलता नहीं है, ठीक है। इसीलिए जिस एरिया में पेड़ ज्यादा लगे होंगे वहां पर बाढ़ की स्थिति बहुत ही कम हो जाती है। इसके अलावा टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ वाटर स्पेशल डैम्स कैन ऑल्सो बी बिल्ड। बाढ़ के पानी की स्पीड को या फ्लो को रोकने के लिए स्पेशल टाइप्स के डैम भी बनाए जा सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क। नेम सम काइंड्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। बेटा आपको नेचुरल डिजास्टर्स के नेम लिखने हैं। व्हाट इज फ्लड? फ्लड क्या होता है? नेक्स्ट इज राइट टू रीजन फॉर फ्लड। फ्लड आने के दो रीजन कौन कौन से हैं? लास्ट इज इन इंडिया विच पार्ट रिसीव्स अ लॉट ऑफ फ्लड। भारत के किस भाग में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है? ओके स्टूडेंट्स, वीडियो देखिएगा, यू कैन गेट ऑल दी आंसर्स इन योर वीडियो। बेटा आपको वीडियो में ही सारे आंसर्स मिल जाएंगे, नहीं मिलते हैं तो आप अपने बुक की हेल्प लीजिएगा, ओके। डू योर होमवर्क प्रॉपरली इन योर होमवर्क कॉपी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।